आज हम आपसे चर्चा करेंगे खुश होने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसे जीवन में क्या-क्या मिल सकती है और क्या-क्या हो सकता है। तो जो व्यक्ति खुश है वो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति ज़्यादा ख्याल रखता है, यानी अपना भोजन सही करता है, वो सही से एक्सरसाइज करता है और सही से उसकी नींद भी सही आती है। तो व्यक्ति की नींद सही आती है, व्यक्ति अच्छा से एक्सरसाइज कर रहा है, बल्कि अच्छा खाना खा रहा है, सही खाना खा रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का हेल्थ हमेशा अच्छा ही होगा जो व्यक्ति खुश होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये उनके इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको वो बढ़ाता है। यानी कोई भी बीमारी उसके शरीर में, जो खुश व्यक्ति है उसके शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो आसानी से ठीक होगा, साथ में जल्दी उसको बीमारी होगा भी नहीं, छोटा मोटा बीमारी उसको, उसके प्रतिरोध क्षमता उसको दबा देंगे। तो ये हुआ खुश होने के फायदे। तीसरा फायदा है कि आप जो तनाव होता है ज़िंदगी में, तनाव आता है, कोई ऐसा परेशानी आता है जो आपके जीवन में आ रहा है, तो उस परेशानी को झेलने वाला, झेलने में जो है, जो खुश व्यक्ति जल्दी से उसको झेल लेता है। जैसे कोई दुर्घटना हो रहा है तो जो व्यक्ति खुश रहता है, पहले से खुश रहता है, वो जल्दी उस दुर्घटना को झेल सकता है। दुर्घटना या ख़राब चीज़ होना या सिचुएशन ख़राब होना, ये सबके जीवन में कभी न कभी आता है और उसको आसानी से झेल सकता है जो व्यक्ति खुश है, उसके लिए कर रहा है। साथ में अभी हम लोग सुनते हैं कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियो का मतलब हृदय होता है, वैस्कुलर का मतलब खून के नली होता है, और उससे संबंधित जो बीमारी होती है जैसे कि हार्ट के अटैक होना, ब्रेन का में जो स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस मार देना, तो इस तरह की बीमारी, हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, उसको भी वो कम करता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसका ब्लड प्रेशर की गति, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है और उसके धड़कन की गति भी थोड़ा कम रहता है जो व्यक्ति खुश रहता है उसको। तो इस तरह से जो व्यक्ति खुश है उसके हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारी भी कम होता है। साथ साथ में अगर व्यक्ति कोई खुश है तो उसका जो मेंटल वेलबींग होता है, अपने मन के अंदर एक खुशी का एहसास, चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचने का एहसास, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। उसका मूड ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं होता, इसलिए वो किसी भी आदमी से बात करता है तो उस आदमी उससे आसानी से उसका बात को मान लेता है, उसका काम आसानी से होता है। इसलिए जिस फील्ड में वो काम करता है उस फील्ड में वो अच्छा काम कर पाता है, क्योंकि वो दूसरों का काम अच्छा से कर पाता है, वो चिड़चिड़ा नहीं होता, वो ठीक से बात करता है, क्योंकि वो अंदर में खुश है। जो अंदर में खुश है वो बाहर भी खुशी बांटता है। तो आपके पास जो है वही चीज़ आप दे सकते हैं किसी, आपको जैसे आप जानते हैं, अच्छा नॉलेज है तो अच्छा नॉलेज किसी को दे सकते हैं। अगर आपका नॉलेज ही अच्छा नहीं तो फिर किसी को देंगे क्या। जो व्यक्ति खुश होता है वो दूसरों को खुशी देता है और खुशी के कारण से दूसरा कोई उसके पास अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है उसके काम प्रति, और इस तरह से वो अपने जिस फील्ड में वो काम को अच्छा करता है और काम को अच्छा करता है तो उसका जो इकोनॉमिक जो है, मैंने वो अच्छा से कमा पाता है, पैसा अच्छा कमाता है, इस कारण से उसका पैसे कमी नहीं होती है उसमें, वो अपने इकोनॉमिकली भी वो अच्छा बनता है, अपने फील्ड में अच्छा काम कर पाता है और लोगों उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं। और एक खुश होने का क्या अर्थ होता है कि जो व्यक्ति खुश है वो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उस व्यक्ति में बीमारी कम होती है और उसकी आयु लंबी होती है, लंबे समय तक धरती पर बने रहता है जो व्यक्ति खुश है वो। तो खुश होने के फायदा लगभग हम शुरू सुनो सुना दें, खुश होने के फायदा सबसे हेल्थ पे देते हैं कि आदमी सही से खाता है, सही से एक्सरसाइज करता है, सही से नींद सही आती है, उसका प्रतिरोधक क्षमता बीमारी होने की क्षमता को रोकता है, वो जीवन में आने वाले तनाव जो स्ट्रेस है, कोई दुर्घटना है, उसको आसानी से झेल लेता है, उसका जो हृदय की होने वाली बीमारी है या ब्रेन की होने वाली बीमारी है, जो खून के नली से जुड़ा हुआ जहाँ ब्लड, तो उसको वो कम हो जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है और धड़कन गति कम होता है। तीसरा है कि आपका जो मेंटल वेलबींग, अपने अंदर एक अच्छा एहसास होना, ये आप चीज़ों के प्रति सकारात्मक नज़रिया होना, ये सब ज़्यादा होता है। इस कारण से जो भी काम करता है उस काम को बहुत बढ़िया से कर पाता है और बढ़िया से कर पाने के कारण से वो अपने जीवन में ज़्यादा पैसा भी कमा लेता है और वो इकोनॉमिकल फ्रीडम यानी मैंने महसूस करता है, मैंने आज़ादी महसूस करता है। उसके साथ साथ ये जीवन में आपके लंबी आयु को प्रदान करने में सक्षम होता है जो व्यक्ति खुश होते हैं उसके लिए। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है उसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि खुश होना ही चाहिए। खुश होने के तरीके लेके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।